नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट उपखंड पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आलोट के परिवादी बालू सिंह 9 फरवरी को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन को शिकायत की। उसने बताया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा आलोट जिला रतलाम से दिसंबर 2021 में 2,37,000 का केसीसी ऋण स्वीकृत कराया था। जब वह ऋण की राशि निकालने बैंक गया तो बैंक मैनेजर मांगीलाल चौहान द्वारा लोन स्वीकृत कराने के नाम पर लोन राशि का 7% के हिसाब से 18,000 रुपये की मांग की। बाद में राउंड फिगर के हिसाब से आवेदक से 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की। आवेदक ने लोकायुक्त उज्जैन को इसकी शिकायत की। उक्त शिकायत पर आज टेपिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आरोपी बैंक मैनेजर मांगीलाल चौहान को लोकायुक्त उज्जैन के निरीक्षक राजेंद्र वर्मा, निरी बलवंत सिंह यादव, टीम के विशाल रश्मिया, संजय आर, नीरज राठौड़ व संदीप कदम ने आवेदक से 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ बैंक मैनेजर कक्ष में पकड़ा। वहीं मौके पर कार्यवाही जारी रही। संवाददाता कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। मैंने केसीसी लोन करवाया था, जबकि 2,71 का पास हुआ था मेरा। उनने 7% मांगे थे, बाद में हमारे तोड़ हुआ। 10,000 15,000 मांगे थे, 15,000 मांगने के बाद में 10,000 में तोड़ हुआ, जो कि आज देने की बात थी। दे दिए पैसे आपने? पैसे दे दिए हमने, और उज्जैन से लोकायुक्त की टीम आई, उनने रंगे हाथ पकड़ लिया। क्या इससे पहले और भी लोगों के द्वारा यहाँ पर लेन देन हो चुकी है मैनेजर के साथ में? हुई होगी, मेरे साथ में हुई है, तो सभी के साथ में हुई होगी लेन देन। तो जब ऐसे रिश्वत मांगी गई थी, तो क्या आपने लोकायुक्त में सूचना करी थी? सूचना करी थी मैंने, उज्जैन गया था, लोकायुक्त में सूचना करके आया था। आप खाताधारक हैं बैंक के? बैंक के खाताधारक हूँ, और तीन महीने से परेशान हो रहा था फोन। ये देखिए, ग्राम भीम के आवेदक हैं बालू सिंह रेवड़िया। इनके द्वारा 9 तारीख को, अभी इसी 9 तारीख को, पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त महोदय से एक शिकायत की थी कि इन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा आलोट से 2,71,000 का एक केसीसी ऋण स्वीकृत करवाया था। और जब ये ऋण की राशि आहरित करने के लिए बैंक आए, तो बैंक मैनेजर श्री मांगीलाल चौहान द्वारा इनसे 7% के हिसाब से रिश्वत की मांग की गई। तो पहले 7% के हिसाब से 18,000 की मांग की गई थी, बाद में वो राउंड फिगर पर इनसे 15,000 की मांग लगातार करते रहे। इनकी शिकायत पर पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त महोदय के निर्देशन में एक ट्रेप आयोजित किया गया, और आज बैंक मैनेजर शाखा आलोट के ब्रांच मैनेजर ML चौहान को आवेदक से 10,000 रुपये नगद रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। अभी यहाँ कार्रवाई जारी है। हाँ, और भी आवेदक हैं, अगर वो यहाँ अभी हमसे कह रहे थे इस ट्रैप के बाद में कि लोन स्वीकृत कराने के नाम पर बैंक मैनेजर अक्सर उनसे रिश्वत की डिमांड किया करते थे। अगर और शिकायत होती है तो अन्य कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।